चले, अगर अपन बात करें तो एडमिशन केसेस का ये लेक्चर अपना क्या है, वन। अब इसमें आपको नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 10th के माध्यम से मैं बहुत अच्छी तरह जाऊंगा। आपको बोल के रखा है आर एंड टी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, मतलब आर और टी का रेशियो था 3:2, मतलब 3/5 और 4/5। क्वेश्चन की लैंग्वेज बोला तो ऐसा बोला जा रहा है आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ हिज शेयर, एंड एस सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। अब इसका अर्थात क्या सर? इसका मतलब है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कौन आ रहा है? एस आ रहा है। कौन आ रहा है? सॉरी, टी सरेंडर्स इतना, ठीक है ना? तो सर नया पार्टनर आ रहा है एस। अब मुझे बताओ इस लैंग्वेज का मतलब क्या? आर का शेयर कितना? 3/5। आर का शेयर कितना था? 3/5। आर ने अपने 3/5 का 1/4 किसको देना चाहा? एस को। आर ने अपने ऑफ हिज शेयर। सर ठीक है, अच्छी बात है। टी ने क्या करना चाहा? टी का शेयर ही कितना था? 2/5। तो टी ने अपने 2/5 का कितना दिया? 1/5। किसको? एस को। इन शॉर्ट सर इसकी कैलकुलेशन देखें, आर ने दिया तो दिया कितना? 3/5 माइनस कितना? 3/20। किसको दिया? एस को। मल्टीप्लाई करेंगे 3/20। इसने कितना दिया भाई? 2/5 माइनस कितना? 2/25। कोई मुझसे पूछेगा सर इस प्रकार से अगर आपके हिसाब से देखें तो एस को कितने मिले? एस को ऊपर वाले से कितना मिला? 3/20। कितना मिला? 3/20। और नीचे वाले से कितना मिला? 2/25। सही है, यहाँ से 3/20 और वहां से कितना? 2/25। सर ये भी सही है, मैंने बोला। हाँ बात तो खैर सही है अगर अपन बात करें और सिस्टमेटिक बात करें। सर अगर 5 और 20 का एलसीएम देखें तो कितना आ जाएगा? 20 यहाँ पे इंटू कितना हो जाएगा? 4 इंटू कितना? 1। 12 माइनस 1। 5 और 25 का एलसीएम देखें तो कितना आ जाएगा? 25 इंटू 12 माइनस 3 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 इंटू कितना होगा? 1। ये हो जाएगा 10 माइनस 2। और 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा? 100। 20 के में 100 कब आता है? इंटू 5 यहाँ पे इंटू कितना? 4। ये हो जाएगा 15 + 8। तो इन शॉर्ट अगर अपन देखें तो जो नया रेशो बन भी रहा है क्वेश्चन का अगर अपन देखें तो क्या वो ऐसे ही बन रहा है क्या? 12 - 3 इज व्हाट? 9/20, 8/25 और शायद 23/100। सर अगर सबका एलसीएम सेम करना है, मतलब 100 करना है, तो सर इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से और इसको तो 1 से ही। तो सर ऐसे केस में आपका जो नया रेशो है वो कितना आ जाएगा? अगर कोई मुझसे पूछे कि सर नया रेशो कितना आएगा, ऐसा बताने के लिए बात है। ये हो जाएगा 45/100, ये हो जाएगा 32/100 और ये हो जाएगा 23/100। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड बी 45:2, 45:2, 32:23। चेक करें एक बार अच्छे से और चले। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है ए एंड बी आर पार्टनर्स। अगर बात करूं तो ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, मतलब ए और बी पार्टनर्स थे। क्या रेशो था ये गिवन नहीं है, तो अपने को 1/2 और 1/2 मानना पड़ेगा। सी को उन्होंने 1/4 शेयर के लिए लिया है। सी को किसके लिए लिया है? 1/4 के लिए। और ऐसा बोला है इन फ्यूचर दे वुड बी शेयरिंग, ए एन वुड बी, द रेशो बिटवीन ए एंड बी वुड बी व्हाट? 2:1। पहली बात तो इससे एक बात समझ में आती है कि जो सी आया वो कितने के लिए आया? 1/4 के लिए। तो अगर सी को उसका 1/4 हिस्सा दे दिया जाए तो ए और बी के पास कितना बच गया? सर ए और बी के पास बच गया कितना?
थ्री बाय फोर, कितना बच गया 3/4। अब बोला है कि इस 3/4 का ए कितना रखेगा, तो सर 3/4 का ए जो रखेगा वो रखेगा 2/3। तो बोला है इन फ्यूचर ए एंड बी वुड बी शेयरिंग इन द रेशियो 2:1, तो ए कितना रखेगा 2/3, और जो बी है बी कितना रखेगा 3/4 का 1/3, क्योंकि बोला है ना 2:1, बोला तो है 2:1। सर किसका 1/4 पिज्जा तो आपने किसको दे दिया, सी को दे दिया। अगर 1/4 पिज्जा आपने सी को दे दिया तो ए और बी के पास बचा ही कितना 3/4। उस 3/4 का ए और बी शेयर करेंगे कंसीडरेशन में 2:1, यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 1/3। और सी कितने के लिए आ रहा है, सी आ रहा है 1/4 के लिए, सी के लिए आ रहा है 1/4 के लिए। 3 से 3 गेट कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा 2/4, अगेन 3 से 3 गेट कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा 1/4 और यहाँ पे भी आ जाएगा 1/4। तो सो नया रेशो हो गया वो तो हो गया 2:1:1। एक बात समझ में आ रही है इस पूरे केस में, अगर आप चेक करोगे तो ए ने कुछ सेक्रीफाइस करा ही नहीं। ए का पहले भी कितना था हाफ, इनडायरेक्टली ए का अभी भी कितना है हाफ। इसका मतलब जो पूरा सेक्रीफाइस करा है किसने करा है, बी ने। इन शॉर्ट बी का पहले 1/2 था, अब बी का कितना हो गया 1/4 और सी का भी कितना हो गया 1/4। तो अगर कोई पूछे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, तो ओनली बी हैज सेक्रीफाइस्ड, ओनली बी हैज सेक्रीफाइस्ड फॉर ए, ओनली बी हैज सेक्रीफाइस्ड फॉर व्हाट ए। क्या समझ में आया क्या? क्वेश्चन नंबर 10th का अगर अपन पार्ट 3 देखें तो क्या है, ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, 3/5 और कितना 2/5। They admit C for 1/5 share. They admit C for 1/5 share. C acquires 1/5 of his share from A and 4/5 from B. मतलब भाई C कितने के लिए आया आपके पास 1/5 के लिए, C कितने के लिए आया 1/5 के लिए। अगर अपन बात करें 1/5 share में से उसने अपने 1/5 का 1/5 किससे लिया A से, और 1/5 का 4/5 किससे लिया B से। तो अगर हम बात करूं A का शेयर कितना था आपके पास 3/5, तो उसने C कितने के लिए आया, सर C खुद तो आया कितने के लिए 1/5 के लिए, तो अपने 1/5 का 1/5 किससे लिया A से। B कितने के लिए आया आपके पास 2/5, उसने अपने 2/5 का, सॉरी B कितने के, C कितने के लिए आया आपके पास 1/5, इसने अपने 1/5 का कितना 4/5 किससे लिया B से। क्लियर गिवन है C is admitted for 1/5 share, C acquires 1/5 from A, मतलब क्या खुद के शेयर का 1/5, मतलब पहले तो C आया कितने के लिए 1/5 के लिए, C कितने के लिए आया आपके पास 1/5 के लिए, 1/5 का 1/5 उसने किससे लिया है A से, और 1/5 का 4/5 उसने किससे लिया है B से। C का खुद का शेयर तो 1/5 ही है बाकी ना। तो सर अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देख के करा जाए तो आप क्या बताना चाहते हो, इसका मतलब ये इशारा कर रहा है इस तरफ कि यहाँ पे होना चाहिए 3/5 माइनस 1/ में कितना 25, यहाँ पे होना चाहिए 2/5 माइनस 4/ में कितना 25। तो सर अगर अपन बात करें और सिस्टमेटिक बात करें तो हम किस गली जा रहे हैं और किस प्रकार से जा रहे हैं, तो सर देखो ना अगर अपन लेके चले, बताओ 5 और 25 का एलसीएम कितना 25 इंटू कितना, अगर अपन बात करें तो 5 × 1 ये हो जाएगा 15 - 1 डेट इज इक्वल टू कितना 14/25, यहाँ पे इंटू 5 × 1 मतलब कितना शायद 10 - 4/25, तो ये कितना हो गया 6/25, और इंटू 5/5 is equal to 5/ में कितना 14:6:8 अगर अपन बात करें। सर क्या बात है, मैंने बोला हाँ चीज तो अच्छी है, एक बार सोचो समझो फिर आगे देखते हैं।
बात करें कि डी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, मतलब सी तो अपना शेयर पूरा, मतलब डी को जो भी देना है 1/6 वो कौन देंगे, ए और बी, कौन देंगे ए और बी। इसी बात पे ए और बी का रेशियो पता होना चाहिए। तो एक्चुअल अगर अपन देखें एलसीएम लें तो 2, 3 और 6 का एलसीएम ही कितना आता है 6, तो हो गया 3 जा, ये हो गया 2 जा, ये हो गया 1 जा, सही गया था। अब अगर अपन बहुत सिस्टमेटिक बात कर लें कि बोला है सी तो क्वेश्चन देगा किसको, डी को, तो डी को शेयर देने कौन वाले है ए और बी, कौन से रेशियो में देंगे, ये अपने आपसी रेशियो में देंगे, आपसी मतलब 3:2:2, 3:2:2। तो सर ऐसे केस में ए का रेशियो कितना हो जाएगा, ए का था कितना 3/6, ए ने डी को कितना दिया 1/6 का 3/5 दिया, कितना दिया 3/5, क्योंकि डी ने जो अपना शेयर लिया है वो लिए किससे, ए और बी से। तो सर उसने ए और बी से क्योंकि बोल के रखा है कि सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, मतलब सी डी को पैसा नहीं देगा, तो जो डी को शेयर दे रहे हैं वो कौन दे रहे हैं, ए और बी। सर ये भी सही है, मैंने बोला हाँ बातें तो क्या सही हो रही है, अगर आप ध्यान दें तो बी का हिसाब कितना कितना है, ये आया कितने के लिए था 2/6, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसके 1/6 का 2/5 कौन देगा, बी। सर सी का तो 1/6 ही है और डी का भी कितना रहेगा, अगर अपन बात करें तो डी का भी 1/6 ही रहेगा। मैंने बोला ठीक है, अगर ऐसे में कैलकुलेशन करी जाए तो गेम तो कुछ ऐसा बन रहा है कि आप चाहें तो ये हो जाएगा 3/6 - 3/30, यहाँ पे हो जाएगा 2/6 - 2/30। 6 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 30 × 5 × 1, मतलब 15 - 3, और 6 और 30 का एलसीएम कितना होगा 30 × 5 × 1, मतलब 10 - 2, 15 - 3 = 12/30, और अगर अपन बात करें तो ये कितना हो जाएगा 8/30, और यहाँ पे 5, 5, तो ये कितना हो जाएगा 5/30, फिर से यहाँ पे 5, 5, तो ये कितना हो जाएगा 5/30, जितना मुझे लग रहा है 12:8:5:2 वुड बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर ठीक है, चीज तो काम की, मुझे भी काम की लगी, ऐसे कोई बड़ी टफ नहीं थी, बस ये ध्यान रखना कि सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, ठीक है ना। अब अगर अपन आगे की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको किस तरफ ले जा रहा है, सर अगला क्वेश्चन इस तरफ ले जा रहा है कि वो आपको बोल रहा है ए और बी इक्वल पार्टनर्स थे, मतलब ए और बी के, ए के पास भी 1/2, सी के पास भी 1/2, सी एंड डी आए पार्टनर्स विद 1/5 and 1/6 शेयर रेस्पेक्टिवली, मतलब सी को 1/5 के लिए लिया और डी को 1/6 के लिए लिया, और बोला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ। अब छोटी सी बात बताओ, सी और डी नया पार्टनर है, उन्होंने नया मिलके टोटल लिया तो लिया कितना 1/5 + 1/6, तो टोटल ए और बी के हाथ से गया कितना 6 और 5 का एलसीएम कितना होगा 30 × 6 × 5, तो ये हो जाएगा 6 + 5 दैट इज इक्वल टू कितना 11/30 इनके हाथ से गया, 11/30 इनके हाथ से गया। अब ए का शेयर कितना होगा, 1 - 11/30 तो गया, तो इसका मतलब ही कितना हो गया 30 - 11 = 19/30, 1 - अगर अपन बात करें तो ए के पास क्या रहेगा 1/2 ऑफ पूरा पिज्जा की 19/30, क्योंकि 11/30 तो उन्होंने किसको दिया सी और डी को, तो ए और बी के पास बचा ही कितना 1 - 11/30 दैट इज 19/30, तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 19/60, बी के पास कितना हो जाएगा 1/2 ऑफ अगेन 19/30, मतलब कि 19/16, सी के पास कितना हो जाएगा अगर अपन बात करें तो, सर सी तो आया ही कितने के लिए था 1/5 के लिए, और डी किसके लिए आया 1/6 के, तो इनटू 60 लिखना है, तो 12 upon 12 तो ये हो जाएगा 12/60, और सॉरी यहाँ पर 10 upon 10 10/60,
तो जो नया रेशो आएगा वो आएगा 19:19:12:12. सर ठीक है, अच्छी बात है। मैंने बोला हाँ बात तो अच्छी है, अगर अपन बात करें अच्छे से, अगर अपन लेके चले। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? सर अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको बोल के रखा है कि ए और बी पार्टनर्स कौन से रेशो में, 5:3, मतलब ए का कितना है 5:8 और बी का कितना है 3:8, ठीक है ना। सी इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर, हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय ए, मतलब सी कितने के लिए आया 3/10 के लिए, उसका आधा किसने दिया ए ने, और बाकी जो बचा था उतना उसने किसे लिया इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, मतलब पहली बात तो 3/10 का आधा मतलब कितना 3/20, वो उसने किससे ले लिया ए से, फिर अब बचा कितना आधा 3/20 बचा, इस 3/20 का आधा वापस से उसने किससे लिया ए से, और इस 3/20 का आधा उसने किससे लिया बी से, पहले तो आधा कौन दे चुका है ए दे चुका है, फिर जो बचा हुआ है उस आधे का भी क्या आधा किसने दिया ए ने। तो सर अगर ऐसे में देखा जाए तो 3/20 का आधा कितना हो गया 3/40, ये ए ने दिया फिर से और 3/40 किसने दिया बी ने। सर ऐसे में अगर आप हमको समझाना चाहें तो ए का रेशियो ही क्या है सब, ए आया कितने के लिए था 5/8 माइनस ए ने कितना दिया सर, एक बार तो 3/20 दिया, एक बार क्या दिया 3/40। सर बी की बात करें तो बी ने क्या करा, बी है कितने के लिए 3/8 के लिए, फिर अगर अपन बात करें तो इसने बी ने कितना दिया सिर्फ 3/40, और सी कितने के लिए आया 3/10 के। तो अगर अपन बात करें और सिस्टमेटिक बात करें तो यहाँ पर कस कितना है 40 एलसीएम, सर इंटू कितना 5 × 2 × 1, तो 5 से कितना हो गया 25 -6 -3, मतलब कितना अगर 9 माइनस कर दूं तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, अगर गेम लेके चले तो 25 - 9 = 16/40। सर 8 और 40 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा आपके पास एलसीएम 40 इंटू कितना बात करें तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 - 3 = 12/40 × 4/4 दैट इज इक्वल टू अगेन 12/40। तो 16:12:12 यहाँ मैं ढंग से कहूँ तो 8 = 4 = 3 वुड बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर इन सब किस्सों में एक पर्टिकुलर केस अभी भी रहा हुआ है कहीं ना कहीं, जो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के थ्रू मालूम पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो आपको गिवन है इसी में कि ए और बी क्या थे पार्टनर्स 7/10 and 3/10 के रेशो, 7/10 and 3/10 दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर इन द फर्म। तो सर जो सी था या अशोक था वो किसके लिए आया 3/7 इन द फर्म, ही टेक्स एक वर्ड यूज दिखेगा 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी, 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। तो ऐसे में अगर अपन बात करें तो ए का था कितना 7/10 माइनस कितना 2/7 फ्रॉम है, मतलब कुछ ही मल्टीप्लाई नहीं करता सीधे, फ्रॉम का मतलब क्या होता है माइनस, बचपन से हम पढ़ रहे हैं सबट्रैक्ट का मतलब ही क्या होता है माइनस, सबट्रैक्ट का मतलब ही क्या होता है फ्रॉम, ठीक है ना। और बी का अगर अपन देखें तो बी का कितना हो जाएगा आपके पास 3/10 माइनस कितना 1/7, और सर सी तो कितने के लिए आया है 3/7 के लिए। तो अगर अपन अच्छे से बात करें 10 और 7 का एलसीएम लेके तो कितना हो जाएगा आपका, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ 70 कितना हो जाएगा आपके पास 70 इंटू, अगर मैं यहाँ से बात करूं तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 7 जा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 10 जा,
49 माइनस 20, फिर यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं एलसीएम कितना आएगा 70 इंटू कितना आपके पास शायद 7 इंटू 10 तो 21 माइनस 10, और इनका ऊपर नीचे कितना अगर मैं बात करूं तो शायद 30/70। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वुड बी 29:11:2। सर यही सारे केसेस होते हैं एडमिशन के। हाँ, इसके अलावा नॉर्मली कोई केसेस नहीं होता। आपको ऑफ हिज शेयर फ्रॉम हिज शेयर पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपने केसेस पढ़े कुल मिला के 6 या 7 ऐसे केसेस आ सकते हैं एग्जाम में, और इनपे 2-2 मार्क के क्वेश्चन 100% बनते हैं, ठीक है क्या।